वेलकम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। आज चैरिबट की जानिब से आप लोगों के लिए एक बार फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक हमारा है कि हम क्या चीज़ बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल होती है लवबर्ड्स की। लवबर्ड को जब हम ब्रीड खिला रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ उनको प्रोवाइड करें जिससे वो नेस्टिंग वगैरह करें और वो नेस्टिंग उनको पसंद भी हो। क्योंकि देखें, जितनी अच्छी नेस्टिंग परिंदा करेगा या जितनी अच्छी चीज़ आप नेस्टिंग में उसको प्रोवाइड करेंगे, वो परिंदा उतनी जल्दी ब्रीड करेगा और उतनी जल्दी वो जो है वो एग्स वगैरह देगा और वो फर्टाइल वगैरह वो नेस्ट को करेगा। तो नेस्टिंग का लवबर्ड ब्रीडिंग के अंदर बहुत अहम किरदार होता है। लवबर्ड वो वाहिद परिंदा है जो कि बगैर नेस्टिंग के ब्रीड नहीं करता, और अगर ब्रीड कर भी दे तो उसको ना अंडों को वो बैठता है ना ही वो उसको फर्टाइल करता। तो लवबर्ड को नेस्टिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। मैं इस वीडियो को 5 से 10 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चले चलते हैं हम अपने नेस्टिंग मटेरियल की तरफ कि हमें किस तरीके से नेस्टिंग मटेरियल करना चाहिए, नेस्टिंग करनी चाहिए और कौन सा नेस्टिंग मटेरियल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नेस्टिंग मटेरियल है जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लवबर्ड को नेस्टिंग करवाने के लिए। ये कराची में तो गधा घास के नाम से बड़ी मशहूर है और आपको बहुत इजीली ये मिल जाती है। 10-20 रुपए का पैकेट होता है। इससे लोग जो है वो अपने लवबर्ड को नेस्टिंग करवा रहे होते हैं और उनके पास रिज़ल्ट भी आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नेस्टिंग मटेरियल जो है वो सही नहीं है। ये भी नेस्टिंग मटेरियल सही है, लेकिन मैंने इस नेस्टिंग मटेरियल के अंदर एक दो इश्यूज देखे हैं कि इसमें बर्ड करता क्या है कि वो इसको बिल्कुल चूरा कर लेता है, क्योंकि ये घास है और ये सूख के ना बिल्कुल पापड़ की तरह बन जाती है। तो जब ये घास बिल्कुल ऐसे बन जाती है तो बर्ड जो है ना वो उसको चूरा चूरा कर लेता है, और चूरा चूरा करने के बाद वो अपने जब एग ले करता है तो वो बिल्कुल उस जगह को खाली करके और एग जो है वो बिल्कुल जो है वो अपनी फ्लैट जगह पर ले कर देता है। तो इस नेस्टिंग मटेरियल, मैं भी पहले इसी को यूज़ करवाता था, लेकिन इस नेस्टिंग मटेरियल से मुझे ये मसाइल पेश आए कि जिसकी वजह से हुआ क्या कि कभी कभी परिंदा जब अंडों पे बैठता है या उठता है तो वो उससे अंडा जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो इस नेस्टिंग मटेरियल को नीचे से हटा देता है। तो ये इशूज़ मैंने थोड़े से फेस किए, तो मैंने सोचा कि मैं फिर अपनी नेस्टिंग मटेरियल को चेंज करूँ। तो अब जो मैं नेस्टिंग जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ अब नेस्टिंग मटेरियल में इस्तेमाल करता हूँ। उसको हम हटा देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं नेस्टिंग मटेरियल के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ। ये मूंज कहलाती है, कुछ लोग उसको कूची कहते हैं। ये दराज से बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। ये एक झाड़ू है, समझ लें एक तरीके से। ये झाड़ू नुमा इस तरीके से ये आती है और ये काफ़ी लंबे लंबे इसका जो है वो ये तिनके टाइप होते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये सूख के वो नहीं होती, मतलब जैसे घास की तरह एकदम जो है वो सख्त नहीं हो जाती। तो ये इसको जो परिंदा जो होता है वो ऐसे काट नहीं पाता। तो अब इसमें वो करता क्या है कि वो इसको उठा के लेके जाता है तो वो पूरा एक राउंड कलर का नेस्ट, राउंड तरह का एक नेस्ट बनाता है। जिस तरीके आप लोगों ने अक्सर जो ब्रीडर्स होते हैं वो अपना जब नेस्ट दिखाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उनका बर्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से नेस्टिंग बना रहा होता है, तो वो यही नेस्टिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये नेस्टिंग मेरे लिए मेरी नज़र में बहुत बेस्ट है, और मैंने जब इसको इस्तेमाल किया था तो वाकई बर्ड्स ने मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया। अच्छा, सिर्फ इसी को इस्तेमाल नहीं करता, इसके साथ मैं एक चीज़ और इस्तेमाल करता हूँ, और वो ये चीज़ है। ये है आपका लकड़ी का बुरादा। ये भी आपको बहुत ईजिली जो है वो किसी भी शॉप से मिल जाएगा। तो जब भी हम नेस्टिंग करते हैं तो हम पहले लकड़ी के बुरादे को बॉक्स में नीचे बिछा देते हैं, बिल्कुल ऐसे इसकी जैसे ये बेस है, तो हम बेस के अंदर पूरी लकड़ी के बुरादे को बिछा देंगे। उसके बाद हम इसमें से जब हम इसको निकालना शुरू करेंगे तो ये बहुत बड़ी है, हमें इसको काटना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। कुछ हम बॉक्स के अंदर इसको डाल देंगे, मतलब समझ लिया 20% हम इसको बॉक्स के अंदर डाल देंगे अपने हाथ से खुद राउंड बना के, लेकिन 80% नेस्टिंग हम जो है वो अपने पिंजरे में डालेंगे। क्योंकि देखिए, बर्ड के लिए बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है जब वो खुद नेस्टिंग करता है, तो वो उसके अंदर ब्रीडिंग की एक्टिविटी उसके अंदर क्रिएट होती है, उसका ब्रीडिंग मूड उसके अंदर बनता है। अक्सर लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार, हमने जो है ना वो अपने हाथ से नेस्टिंग करके परिंदे को दे दिए, लेकिन अभी तक उसने जो है ना वो ब्रीड नहीं की। उसका रीज़न यही होता है कि जब तक आप बर्ड को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो ब्रीड नहीं करेगा।
तो इसलिए आप 20% सिर्फ नेस्टिंग अपनी जो है वो बॉक्स में खुद अपने हाथ से कर दें, ताकि बर्ड को ये आइडिया हो जाए कि यार इस जगह पे मुझे नेस्टिंग करनी है, बस उसका मकसद सिर्फ ये होता है। 80% नेस्टिंग आप परिंदे को खुद करने दें, विद इन 15 डेज आप देखेंगे, अगर आप 80% नेस्टिंग मटेरियल खुद परिंदे को करने देंगे तो विद इन 15 डेज आप खुद उसकी एक्टिविटी में नोट करेंगे कि वो ब्रीडिंग मोड में अब आ रहा है। तो मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल है, ये दराज से ईजिली आपको 100-150 रुपये का मिल जाता है, तो ये आप मंगवा सकते हैं दराज से। और इसको मैं फिर कहूँगा आपसे कि अपने हाथ से नेस्टिंग सिर्फ 20% करनी है, 80% नेस्टिंग हमें बर्ड से करवानी है, ताकि वो उसकी उसके अंदर एक्टिविटी क्रिएट हो और वो नेस्टिंग करे और फिर वो एग ले करे। और परिंदा जब अपने हाथ से खुद जब वो नेस्ट बनाता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, वो खुद अपने लिए छुपने की, अंडा देने की जगह वो खुद अपने हाथ से क्रिएट कर रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप 80% बर्ड को दें ताकि वो खुद नेस्टिंग करें, और 20% आप अपने हाथ से सिर्फ उसके अंदर डाल दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, 5 से 6 मिनट की वीडियो है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।